रूस के साथ युद्ध के मंडराते खतरे के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति सेना की वर्दी पहनकर सीमा पर स्थित अग्रिम मोर्चे पर पहुंच गए हैं। रूस ने तनाव बढ़ाते हुए 80,000 सैनिकों को तैनात किया है। चीन के 2 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा पर घुसे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि सोमवार को एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में 25 विमानों ने प्रवेश किया है, जिसमें लड़ाकू विमान समेत परमाणु हथियार ले जाने वाले सक्षम विमान भी थे। फ्रांस के विदेश मंत्री हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए मंगलवार को भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचेंगे। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच दुनिया के कई देश एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। नए कोविड-19 मामलों में तेजी के चलते बांग्लादेश सरकार ने पूरे देश में कंप्लीट लॉकडाउन के नए निर्देश जारी किए हैं। दुनिया भर में कई ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं जिससे आप बिल्कुल बेखबर होते हैं। पोलैंड के एक गांव में पिछले 1 दशक से कोई भी लड़का पैदा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहां के मेयर ने यह घोषणा की है कि किसी के भी घर में अगर बेटा पैदा हुआ तो उसे इनाम दिया जाएगा। इस गांव के बारे में जानने के बाद साइंटिस्ट इस जगह की जांच करना चाहते हैं। भारत में अब एक और वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी मिल गई है और इस तरह हमारे देश में अब कोरोना की कुल 3 वैक्सीन हो गई हैं। पहली है कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन और तीसरी है रूस की स्पुतनिक वी। इस वैक्सीन को ऐसे समय में इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली है जब भारत में वैक्सीन की कमी है। आज से चैत नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। आज से 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि के समय में आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और पूजा के अंत में मां दुर्गा की आरती नियमित तौर पर करनी चाहिए। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट में अपनी पहली हार को भूलकर फिर से वापसी को तैयार होगी। मुंबई के लिए एक अच्छी खबर यह सामने आई है कि उनके स्टार ओपनर क्विंटन डिकॉक इस मैच के लिए टीम में शामिल हो सकते हैं। हिंदी सिनेमा के मशहूर और दिग्गज कलाकार सतीश कौशिक ने हाल ही में कोरोना वायरस से जंग जीती है। ऐसे में सतीश कौशिक ने बच्चों के बीच फैले कोरोना वायरस और इसके इलाज के लिए बने अस्पतालों को लेकर चिंता व्यक्त की है। सोने की कीमतें अब एक लेवल पर आकर अटक गई हैं। बीते कई हफ्तों से कीमतें 46,400 के आसपास ही घूम रही है। चांदी में हमें सोमवार को जोरदार गिरावट देखने को मिली थी। चांदी सोमवार को 850 रुपए प्रति किलोग्राम गिरकर बंद हुआ। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।